को मानता था और आर्टिकल 51 जो इस बात को कहता है कि लॉजिकल और साइंटिफिक आधार पर हमें बातचीत को रखना चाहिए। हम सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, यकीनन हमारा देश संविधान के द्वारा चल रहा है। आज पूरे देश में विश्वविद्यालयों में किसका कब्जा है और किस तरीके से लोगों का शोषण किया जा रहा है। मैं इशारा करना चाहता हूँ, रूपन वाला जो कमेटी ने जजमेंट किया उसने इस बात को बताया हमारे युवा के लिए, रोहित के लिए, कि वो मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या की। मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय और यहाँ पर तमाम सारे मीडिया के माध्यम से कि भाई रोहित बेमूल्य ये तमाम सारे ऐसे लोगों को आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। आखिर देश को 70 साल से ज्यादा आजादी को हो चुके हैं, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, महिलाओं के साथ में आए दिन छेड़खानी, जला करके उनको मार देना, अभी भी रोजगार लोगों को नहीं दिया गया है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि तथाकथित समाज के लोग जो इस बात का दम भरते हैं कि हम ही सब कुछ ज्ञान के भंडार हैं, भाई आपका ज्ञान कहां चला गया? इस 70 सालों में आपने खाई को पाटने का काम क्यों नहीं किया? ये प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा हो रहा है आप पर? हमारे बीच में रतनलाल सर हैं, उन्होंने रोहित बेमूल्य पर किताब भी लिखी है, बहुत सारे लोगों ने हमें लगता है पढ़ा भी होगा। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ जितने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे होने का मकसद क्या है? आखिर हमने जो जन्म लिया है, हमारे लाइफ का एम जरूर तय होना चाहिए, क्योंकि बिना एड्रेस के लिफाफा भी वो सही पते पर नहीं पहुंचता है। दोस्तों, हमारे जीवन का एम जरूर तय होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपके बीच में जो बोलने के लिए भी खड़ा हुआ हूँ, ये तमाम सारी जो बातें होंगी उनमें दो महत्वपूर्ण तारीखों का सबसे ज्यादा योगदान है। वो कौन सी तारीखें हैं? एक तो पहली तारीख है 6 अक्टूबर 1860, जब भारत देश में RBC लागू होता है, यानी कि मनुस्मृति के द्वारा जिस तरीके से यहाँ के मानव को मानव ही समझा गया, जानवर से भी बदतर समझा गया है, उस दिन से अगर कोई किसी को मार देता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी 302 के तहत, यानी कि फांसी की सजा मिलेगी। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि किस तरीके के हमारे देश में तथाकथित लोगों द्वारा मनगढ़ंत तरीके से ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिखा गया और ये बताया गया कि इसी में सब कुछ आपका उद्धार है। लेकिन हमारे बीच में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं और इनके द्वारा जो भारत का संविधान लिखा गया जब 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, तो यहाँ पर तमाम सारे आज जो दिखाई दे रहे हैं छात्र नौजवान और हमारे मार्गदर्शक तमाम सारे प्रोफेसर लोग, मुझे लगता है कि बाबा साहब के संविधान के द्वारा ही हम सभी लोग यहाँ पर हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ बातों पर हम लोगों को जरूर ध्यान केंद्रित करना है कि अभी RTI के माध्यम से जो डेटा आया है 496 BC में से मात्र जो है ये CST के 6 और OBC के 36, यानी कि एक ही समाज के सबसे ज्यादा 448 लोग हैं। और जब रिजर्वेशन के माध्यम से ये CST OBC का कोई छात्र नौजवान कैंपस में आ जाता है तो लोगों का सीने में दर्द होने लगता है। यकीन सीने में दर्द होना चाहिए, हमारे भी सीने में दर्द हुआ है। भाई आप किस तरीके का एक समाज बनाना चाहते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर कोई गार्डन है या और भी तमाम सारे गार्डन है, अगर एक ही कलर के उस गार्डन में फूल होंगे तो मुझे लगता है आप एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जाएंगे, दोबारा दोस्तों के साथ में जाएंगे या परिवार के साथ में जाएंगे, बार बार उसी को देखने के लिए नहीं जाएंगे। उसी तरीके से हमारा समाज भी है, अगर इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सवर्ण के लोग, जनरल के लोग भी हैं, अगर उनका समान प्रतिनिधित्व
मुझे लगता है एक बेहतर समाज बनाने की जो तमाम सारे मंचों से जो बात होती है कि एक बेहतर समाज होना चाहिए, मुझे लगता है बेहतर समाज तभी होगा जब सभी लोगों का समान प्रतिनिधित्व होगा। तो जो आजकल जो नए तरीके से सीने में लोगों के दर्द हो रहा है कि भाई आप तो रिजर्वेशन के माध्यम से आ जाते हैं, तो मुझे लगता है उनको इस बात के लिए दर्द की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम लोग रिजर्वेशन के माध्यम से आ जाते हैं। जिस तरीके से अभी UGC के तहत मिनिस्ट्री के तहत जो फेलोशिप आती है, मैं आपको खुद बताना चाहता हूँ, मेरा 22 महीने से HR नहीं आया हुआ है और 7 महीने से फेलोशिप नहीं आई हुई है। आखिर ये भी तो एक मानसिक तनाव है। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय यहाँ दिल्ली जब आ रहा था बुकफेयर में कि कैसे भाई मैं किताबें खरीदूंगा, तो एक मित्र से मुझे 5,000 रुपए उधार लेकर के यहाँ आना पड़ा। हम इस बात को कहना चाहते हैं, चाहे वो जावेदकर जी हैं, वो कहते हैं कि भाई अभी आपके 1 तारीख से 15 तारीख तक डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर दीजिए और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तमाम सारे लोग मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट अपलोड तो किए होंगे, क्या उनके अकाउंट में पैसा आया? मुझे लगता है नहीं आया होगा। तो मुझे ये इस तरीके से जो तमाम सारे लोग जो बातें करते हैं, तो मुझे लगता है इनका भी हमें सोचना समझना चाहिए। और यकीनन मुझे रतन लाल सर की एक बात याद आती है, वो कहते हैं कि ये विश्वविद्यालय जो होते हैं विचारों की जननी होते हैं, यानी कि विचारों के माध्यम से समाज को परिवर्तन कैसे किया जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी इस बात को कहते हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन माइंड के लिए विचारों की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है तमाम सारे हमारे बीच में वक्ता भी आ गए हैं, रोहित बिमूला के इस ऊपर बातचीत होगी। मैं 2 लाइनें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा।